नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है बुधवार व्रत कथा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आप कभी भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। हरि प्रेमियों, आइए कथा को शुरू करते हैं। हरि प्रेमियों, समसापुर नगर में एक मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनी था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुशील और सुंदर लड़की संगीता के साथ हो गया। एक बार की बात है, मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर चला गया। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए बोला। संगीता के माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है और बुधवार को कोई भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मधुसूदन बिल्कुल भी नहीं माना और उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को ना मानने की बात बोल दी कि वह कोई भी ऐसी बातें नहीं मानता। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा आरंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों ही पैदल चल पड़े और रास्ते में संगीता को बहुत प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन ढूंढ कर कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बहुत बुरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास तो उसकी ही बिल्कुल वैसी ही शक्ल सूरत का दूसरा आदमी बैठा हुआ था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर बहुत दंग रह गई। वह दोनों में कोई भी अंतर नहीं कर पाई। दोनों एकदम एक ही जैसी शक्ल सूरत के आदमी थे। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास तुम क्यों बैठे हो? मधुसूदन की यह बात सुनकर वह आदमी बोला, अरे भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यह मेरी पत्नी संगीता है और मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा के लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम कोई ठग या चोर जरूर हो। यह तो मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठा कर इसे प्यास लगी थी इसके लिए पानी लेने गया था। इस पर उस आदमी ने कहा, अरे भाई तुम झूठ बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल तो मैं ही लेने गया था। मैं तो जल ला कर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें अभी पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, झगड़ने लगे। उन्हें लड़ते ही लड़ते देख बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां पर आ गए। सिपाही उन दोनों आदमियों को पकड़कर राजा के पास ले गए और सारी कहानी राजा को सुना दी, परंतु राजा कोई भी फैसला नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने असली पति को बिल्कुल नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को जेल में डाल दिया और कहा, राजा के फैसले पर असली मधुसूदन बहुत डर गया। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन तूने संगीता के माता पिता से जो बात कही थी कि मैं शुभ और अशुभ बातों को नहीं मानता, तुमने नहीं माना और बुधवार के दिन अपनी पत्नी ससुराल से लेकर आ गया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई।
भविष्य में अब मैं कभी बुधवार के दिन कभी भी यात्रा नहीं करूंगा और हमेशा बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसको क्षमा कर दिया। तभी दूसरा आदमी राजा के सामने से अलोप हो गया, गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर बहुत ही हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस कृपा से राजा मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई और बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उस बैलगाड़ी में बैठ गए और समतापुर की ओर चल पड़े। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ सब तरह की खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो भी स्त्री या पुरुष विधि विधान से बुधवार का व्रत करके इस व्रत कथा को सुनता है, भगवान बुद्ध देव उनके जीवन के सभी कष्ट दूर कर देते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हरि प्रेमियों, आपको ये बुधवार व्रत कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हरि प्रेमियों, जय श्री कृष्णा।